तो राजनाथ सिंह 19 सितंबर को तेजस से उड़ान भरेंगे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले रक्षा मंत्री बनेंगे। तो राजनाथ ये उड़ान कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भरेंगे तेजस में। रक्षा मंत्री की ये उड़ान उस वक्त होने जा रही है जब HAL को देश में बनाए जाने वाले 83 तेजस के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट मिलने जा रहा है और हाल ही में लड़ाकू विमान तेजस की अरेस्ट लैंडिंग कराई गई जो सफल रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगे। 19 सितंबर को राजनाथ सिंह की ये उड़ान बेंगलुरु से होगी। राजनाथ सिंह तेजस के 2 सीट वाले एयरक्राफ्ट में सवार होंगे। राजनाथ सिंह स्वदेशी लड़ाकू विमान की सवारी करने वाले पहले रक्षा मंत्री हैं। 20 सितंबर को भारतीय नौसेना के साथ रक्षा मंत्री एक दिन के लिए मुंबई में होंगे। बता दें कि तेजस भारतीय वायुसेना की 45वीं स्क्वाड्रन फ्लाइंग ड्रैगर्स का हिस्सा है। तेजस पूरी तरह से हल्का लड़ाकू विमान है और पूरी तरह से स्वदेशी भी। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। वायुसेना ने दिसंबर 2017 में HAL को 83 तेजस जेट बनाने का जिम्मा सौंपा था। DRDO ने 21 फरवरी को बेंगलुरु में हुए एयर शो में इसे फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस जारी किया था। इसका मतलब ये है कि तेजस अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। तेजस ने पिछले सप्ताह ही नौसेना में शामिल होने के लिए गोवा में एक बड़ा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। वायुसेना तेजस विमानों की खेप अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। तेजस ये मुकाम पाने वाला देश का पहला एयरक्राफ्ट बन गया है। तेजस में रक्षा मंत्री की ये उड़ान उस वक्त होने जा रही है जब HAL को देश में बनाए जाने वाले 83 LCA Mark 1A विमान के निर्माण के लिए 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।